Hello everyone, welcome to class number 52 of the chapter Discrete Mathematics. Last class में हमने discuss किया था set theory के basic concept के बारे में कि set क्या है. Last class में हमने discuss किया था कि set क्या है. A set is a well-defined collection of distinct object. So collection of distinct object को हम बोलते हैं set. But कब? अगर वो collection of distinct object एक well-defined object है तो. अगर जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम लेते हैं वो ऑब्जेक्ट अगर एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तब जाके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिस्टिंक्ट वैल्यूज के कलेक्शन को हम बोल सकते हैं सेट. ओके, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक सेट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या है वो अलग अलग तरीका? लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन एंड मिसिंग एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन. दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज और दीज आर द थ्री डिफरेंट मेथड्स बाय यूजिंग व्हिच व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट. हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन तीन अलग अलग तरीके को यूज करके या फिर इन तीन अलग अलग मेथड्स को यूज करके. सो एक एक करके हर एक वे के बारे में देखते हैं, हर एक मेथड के बारे में देखते हैं कि किस तरह के मेथड को यूज करके हम किस तरह से एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट टाइप इज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड. सो लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड को यूज करके हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपली उसके नाम से ही पता चल रहा है. लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड में हम एक सेट को, एक सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लेट अस सपोज वी हैव अ सेट ए विद एलिमेंट्स 1 2 3 x एंड y. लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है ए और उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स क्या है, 1 2 3 x एंड y. दीज आर द एलिमेंट्स. अगर हमें यहाँ पे लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड को यूज करके रिप्रेजेंट करना पड़े इस पर्टिकुलर सेट को तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Generally, a set is represented by listing all the elements of it within the pair of bracket. अगर हम list representation method use करके कोई भी set को represent करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? List के हर एक element को brackets के अंदर, मतलब यहाँ पे जो curly braces है, curly braces के अंदर हम क्या करते हैं? Represent करते हैं उन elements को उस particular set का. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, here set A is represented by A equals to open curly braces, close curly braces, उसके अंदर वो सारे elements उस particular set का. Okay, so here elements are simply listed within the pair of bracket. यहाँ पे हमने elements को कैसे represent किया है set का? सिर्फ curly braces के pair के अंदर उसको represent कर दिया है. This is the list representation of the set. अगर हम एक set को list representation method use करके represent करना चाहते हैं, तो इस तरीके से easily represent कर सकते हैं. अभी और एक तरीका देखते हैं और एक मेथड देखते हैं लिस्ट, मतलब हम क्या करने के लिए, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक मेथड हमारा क्या है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन. सो प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन मतलब जिस तरह के रिप्रेजेंटेशन मेथड में हम एक सेट को प्रेडिकेट के थ्रू डिफाइन करते हैं, प्रेडिकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेडिकेट क्या है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रेडिकेट लॉजिक में. ओके, तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन ए सेट इज डिफाइंड बाय ए प्रेडिकेट. सेट को हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट के द्वारा डिफाइन करते हैं. कैसे? दिस रिप्रेजेंटेशन इज मोर कन्वीनियंट देन लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में अगर देखें प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कन्वीनियंट है या फिर ज्यादा बेटर है हम बोल सकते हैं जब भी हमें लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो एक सेट में तब. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है ए, इसको हम कैसे रीड करते हैं, फॉर ऑल x such that x is an even positive integer. तो मेरा यहाँ पे जो सेट है वो सेट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 अनलिमिटेड. मतलब यहाँ पे सेट में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. इतने सारे नंबर्स, इतने सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इतने सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के बजाय अगर हम यहाँ पे प्रेडिकेट यूज कर ले, प्रेडिकेट हम ऐसे ही लिखते हैं ना, x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे इज एन पॉजिटिव इंटीजर इज द प्रेडिकेट एंड x इज द सब्जेक्ट. ओके,
तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से क्या होता है कि ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है, फिर ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा अगर हमारे लिस्ट में लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट अस सपोज दैट पी ऑफ एक्स डिनोट्स, प्रेडिकेट में हम क्या करते हैं एक फंक्शन यूज करते हैं पी ऑफ एक्स और उसके थ्रू प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे p of x को डिनोट किया, x is an even positive integer, मतलब मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया p of x और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया x is an even positive integer को, तो x is an even positive integer के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं p of x, so a equals to a or for all x such that p of x is true। okay, so this is the another way of representation of set। okay, तो यहाँ पे हमने पहले देखा सेट को हम लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हमने देखा प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट के लिए एक्स का वैल्यू जो हम ले रहे हैं, जिसके लिए मेरा पी ऑफ एक्स ट्रू होगा, वो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जबकि एक्स पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स यहाँ पे हमारा है एक्स इज, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं x का वैल्यू हम कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हैं तो उसके लिए मेरा सेट ट्रू है, अगर x के जगह पे हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं उसके लिए मेरा सेट फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अगर x के जगह पे मैं वैल्यू लेता हूँ, कि अगर x के जगह पे वैल्यू लेता हूँ 2, मींस 2 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स करता है a के, a में, a सेट में, क्योंकि यहाँ पे मेरा a सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, हर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए सेट में बिलोंग करते हैं, मींस 2 बिलोंग्स टू ए, 2 एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो कि बिलोंग करता है मतलब हमारे सेट ए में, बट 3 एक इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जबकि ये बिलोंग नहीं करेगा सेट ए में। ओके, तो सेट ए में एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा अगर हम कुछ भी अलग नंबर्स लेते हैं तो वो सेट ए के बिलोंग नहीं आएंगे या फिर सेट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 तो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, वो सेट ए में बिलोंग करेगा, इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं 2 इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, बट 3 तो बिलोंग नहीं करेगा सेट ए में, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए because 3 is not an even positive integer, agar 3 ek even positive integer hota tab wo set a mein belong karta, but set a mein belong karega sirf kaun sa value, agar wo value ek even positive integer hai to। to yahan pe humne dekha ki agar isko aap represent karte list representation method use karke to zyada complicated hota, तो हम प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन मेथड को तब यूज करते हैं जब हमारे लिस्ट में लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन मेथड को यूज करते हैं, बट जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तब हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है मिसिंग एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन। सो समटाइम्स इट इज more convenient to represent sets by missing element representation, sometimes हमें ये ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा better होता है अगर हमें कुछ set में बहुत सारे elements को represent करना है, तो some of the cases में missing element representation method को use करके हम easily क्या कर सकते हैं, हमारे set को represent कर सकते हैं। जैसे कि एक example लेते हैं। okay, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने represent किया, example लिया predicate representation method का। प्रेडिकेट रिप्रेजेंटेशन मेथड में मैंने क्या लिया था कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि सेट ए में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स एक एक इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसको अगर हम मिसिंग एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2, 4, 6, up to 8, 10 ऐसे लिख के डॉट 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 अगर हम दे दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे मिसिंग है, तो वहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को मिसिंग एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू फॉर ऑल x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, सो मल्टीपल ऑफ 2 जो जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट a में आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सारे के सारे नंबर्स किसमें आ सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं सेट a में। ओके, तो यहाँ पे देखो हम सारे के सारे नंबर्स हमने नहीं लिखा है, आधा नंबर्स लिख के डॉट 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 दे के रिप्रेजेंट किया है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन मेथड को हम बोलते हैं मिसिंग एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो आज के क्लास में हमने देखा कि हम तीन अलग अलग तरह के मेथड्स या फिर तीन अलग अलग तरह के वे यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.